हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हार्डनिंग एंड टेम्परिंग के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 34 का ही पार्ट है। ये चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है, इसका रिलेटेड ही क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील से ही है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 852। If a piece of steel is heated to a sufficiently high temperature, all the carbon will be dissolved in the solid iron to form the solid solution is called. यदि स्टील का एक टुकड़ा को पर्याप्त रूप से उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, ठोस घोल बनाने के लिए सभी कार्बन को ठोस लोहे में घोल दिया जाता है, जिसे डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी प्योर लाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। गेस कीजिए आंसर। यदि किसी भी स्टील को सफिशेंटली हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाएगा तो उसका जो कार्बन है एक ही डिसॉल्व होके सॉलिड आयरन में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑस्टेनाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 853। व्हेन ऑस्टेनाइट इज स्लोली कूल्ड, द चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ द आयरन एटम्स विल कॉज ए सॉलिड सॉल्यूशन कॉल्ड। जब ऑस्टेनाइट में धीरे धीरे परिवर्तन को ठंडा किया जाता है, लोहे के परमाणुओं की व्यवस्था से ठोस घोल बनेगा, जिसे डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी प्योर लाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। आंसर इज ऑप्शन ए फेराइट। क्वेश्चन नंबर 854। द सॉलिड सॉल्यूशन और फेराइट कंटेन कार्बन अप टू। ठोस विलयन या फेराइट में कार्बन डेस तक होता है। फ्रेंड्स, फेराइट और सॉलिड सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, जिसमें कार्बन परसेंटेज होते हैं 0.006, यानी ऑप्शन बी 0.006% कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 855। व्हाट हैपेंस टू द एक्सेस कार्बन व्हेन स्टील इज क्वेंज्ड रैपिडली फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर। जब एक उच्च तापमान से स्टील तेजी से बुझती है तो अतिरिक्त कार्बन का क्या होता है? ऑप्शन ए स्टील स्ट्रक्चर चेंज्ड, ऑप्शन बी हार्डनेस डिक्रीजेस, ऑप्शन सी गेट ट्रैप्ड इन सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरनल डिस्टोर्शन, ऑप्शन डी मेटनसाइट विल फॉर्म विथ इंटरनल हार्डनेस। आंसर इज ऑप्शन, पहले गेस कीजिए आंसर क्या होता है। जब एक्सेस कार्बन जल्दी से यानी सडनली ठंडा किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी गेट ट्रैप्ड इन सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरनल डिस्टोर्शन। आंतरिक डिस्टोर्शन हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 856। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यूरिंग हार्डनिंग प्रोसेस। कठोर प्रक्रिया के दौरान कठोरता में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए स्टील स्ट्रक्चर चेंज, ऑप्शन बी हार्डनेस डिक्रीजेस, ऑप्शन सी गेट ट्रैप्ड इन सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरनल डिस्टोर्शन, ऑप्शन डी इंटरनल डिस्टोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर। आंसर इज ऑप्शन डी इंटरनल डिस्टोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इंटरनल डिस्टोर्शन होता है हार्डनिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 857। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील ऑब्टेंड ड्यू टू ड्रास्टिक कूलिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ऑस्टेनाइट संरचना से कठोर शीतलन के कारण प्राप्त स्टील की संरचना का नाम बताइए। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी प्योर लाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। आंसर इज ऑप्शन डी मेटनसाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 858, ड्यूरिंग हार्डनिंग प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू हार्डनिंग टेम्परेचर एंड हेल्ड द टेम्परेचर फॉर सम टाइम, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेप इन हार्डनिंग प्रोसेस। सख्त प्रक्रिया के दौरान स्टील को सख्त तापमान पर गर्म किया जाता है और कुछ समय के लिए उस तापमान पर रखा जाता है। सख्त प्रक्रिया में इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए एनेलिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, ऑप्शन डी सोकिंग। आंसर इज सोकिंग। जो टेम्परेचर में गर्म किया जाता है उसको सोकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 859, व्हिच क्वेंचिंग मीडियम कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड कूलिंग, तेजी से ठंडा करने के लिए किस समन माध्यम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन डी एयर। जल्दी से किसी भी स्टील को ठंडा करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं। ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 860, व्हाट फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग इन टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग की प्रक्रिया में हीटिंग की अवधि के लिए किस कारक पर विचार किया जाना है? ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी कलर ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी हार्डनेस ऑफ मटेरियल। गेस कीजिए आंसर। कौन सा फैक्टर को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, ये टेम्परिंग प्रोसेस में? उसका थिकनेस ऑफ मटेरियल ये ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं।